नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 11 नवंबर शुक्रवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। सिरोही जिले की उप तहसील कलंदरी के तहसीलदार ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने के मामले में फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को एक एक महीने की सजा सुनाई है। आरोपियों ने सरकारी भूमि पर 7 साल से अतिक्रमण कर रखा था। वहीं एक अन्य मामले में अतिक्रमणकारी को हटाने के आदेश दिए हैं। उप तहसील कलंदरी के तहसीलदार करिश्मा सिंह रणावत ने कलंदरी में खसरा नंबर 2197 बिल्ला नाम वर्डा की सरकारी भूमि पर 0.48 हेक्टेयर में कलंदरी निवासी महेंद्र सिंह राजपूत और 0.03 हेक्टेयर भूमि पर प्रताप सिंह ने करीब 7 वर्ष से अतिक्रमण कर रखा था। मामले में फैसला सुनाते हुए करिश्मा सिंह रणावत ने दोनों अतिक्रमण करने वालों को एक एक महीने के सिविल कारावास से दंडित किया है। इसके साथ ही एक अन्य मामले में कलंदरी निवासी विक्रम कुमार को अतिक्रमण से बेदखल करने के आदेश जारी किए हैं। जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट बिजनेसमैन के घर से 10 करोड़ की चोरी मामले में पुलिस ने दिल्ली से 3 घरेलू नौकरों को गिरफ्तार किया है। नागौर के कुचामन से एक सहयोगी पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। 5-6 नवंबर की आधी रात को परिजनों को बेहोश कर कारोबारी की कार में डिजिटल लॉकर, ज्वेलरी और कीमती सामान लेकर रात 1 बजे आरोपी कुचामन में एक साथी मंजिल के रिश्तेदार अमर सिंह के ठिकाने पर रुके थे। जोधपुर कमिश्नर रविदत्त गौड़ ने बताया कि व्यवसायी अशोक चोपड़ा ने 2 साल पहले नेपाली नौकर लक्ष्मी को काम पर रखा था। बाकी 3 नौकर 2 से 3 महीने में एजेंसी के थ्रू घरेलू नौकर के तौर पर काम पर लगे थे। इनमें धन बहादुर, मंजू और मंजिल शामिल थे। पुलिस ने दिल्ली से लक्ष्मी, धन बहादुर और मंजिल को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि पुलिस को इनपुट मिला है कि 7 में से 2 आरोपियों ने गुजरात के सूरत जाकर अंगूठी बेचने की कोशिश की है। इस इनपुट के आधार पर एक टीम आरोपियों की तलाश में गुजरात रवाना की गई है। बाड़मेर जिले में 2 भतीजों द्वारा बीती रात करीब 10 बजे मुसाफिर खाने में ठहरे चाचा के साथ मारपीट कर मर्डर करने का मामला सामने आया है। घरेलू विवाद के चलते दोनों ने मिलकर मारपीट की। घटना मालगोदाम रोड मुसाफिर खाने की है। कोतवाली पुलिस के अनुसार जायल नागौर निवासी 55 वर्षीय मोहम्मद महबूब खान को नागौर से बाड़मेर आए और मालगोदाम रोड मुसाफिर खाने में रुके हुए थे। पहले से बाड़मेर रहे 2 भतीज मोहम्मद काल और फारूक रात को मुसाफिर खाने पहुंचे। चाचा व भतीजों के बीच में झगड़ा हुआ। मारपीट के दौरान चाचा मोहम्मद महबूब गिरकर बेहोश हो गया। लोगों ने महबूब को आनंद फानन में अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दोनों भतीजों को हिरासत में ले लिया है। मामले की जांच चल रही है। सीकर जिले में नाबालिग के साथ रेप करने के मामले में पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। 35,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीड़िता के पिता ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वह परिवार के साथ रहकर ईंट के भट्टे पर मजदूरी का काम करता है। भट्टे पर ही रोहिताश नाम का युवक उनके पास के मकान में रहने लगा। 23 अप्रैल 2018 को उसकी बेटी जंगल गई थी, जो वापस नहीं आई। काफी ढूंढने के बाद पता चला कि रोहिताश उसे बहला फुसलाकर साथ ले गया है। पुलिस ने आरोपी रोहिताश और नाबालिग को दादरी से पकड़ लिया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि रोहिताश उसे शादी का झांसा देकर ले गया और कई बार दुष्कर्म किया। जज अशोक चौधरी ने आरोपी रोहिताश को 20 साल की सजा सुनाई। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा आयोजन राज्य सरकार द्वारा बुजुर्गों के लिए निशुल्क संचालित की जा रही है। इस संबंध में फर्जी फोन कॉल करके धनराशि की मांग करने वालों के प्रति सावधान रहने की अपील देवस्थान विभाग ने की है। देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त गौरव सोनी ने बताया कि राजस्थान सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 के तहत राज्य के 20,000 यात्रियों को यात्रा करवाएगी। इसमें 18,000 यात्रियों को रेल मार्ग से एवं 2,000 यात्रियों को हवाई मार्ग से यात्रा करवाई जाएगी। यह यात्रा पूर्णतया निःशुल्क है। उन्होंने बताया कि देवस्थान विभाग को विभिन्न यात्रियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कतिपय फर्जी व्यक्तियों द्वारा 9680-25-85-17 एवं अन्य नंबरों से फोन कर फोन नंबर 70-42-75-22-26 में यात्रा के लिए राशि जमा करने के लिए चयनित यात्रियों को फोन कर गुमराह कर रहे थे। चूरू में घर पर बैंक जाने की बात कहकर घर से निकली महिला 2 पति को छोड़कर लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। दोनों ने चूरू कोर्ट में लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट भी बनवा लिया। दोनों ने SP ऑफिस पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई है।
एसपी ऑफिस में सरदारशेर तहसील के जयसंगसर गांव निवासी 28 वर्षीय कृष्णा ने बताया कि उसकी पहली शादी साल 2011 में सरदारशेर तहसील के बिल्लू गांव निवासी तेजपाल के साथ हुई थी और 2014 में तलाक हो गया, जिससे उसकी एक बेटी है। 2014 में झुंझुनू जिले के खोरी गांव निवासी रणजीत से उसकी शादी हुई, जहां से वह अब तक उसके साथ रहती थी। रणजीत आए दिन शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता, जिससे परेशान होकर महिला भालेरी आकर रणवीर के घर रहने लगी। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। चूरू कोर्ट से लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट भी बनवा लिया। भीलवाड़ा के सुभाष नगर थाना क्षेत्र के नारायणी माता कॉलोनी में शराब के ठेके से महंगी ब्रांड की 13 लाख रुपए की शराब चोरी मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी नंदलाल रिणवा ने बताया कि 3 अक्टूबर की रात को नारायणी माता कॉलोनी में स्थित एक शराब के ठेके को दोनों ने निशाना बनाया। 4 अक्टूबर को दादाबाड़ी निवासी सागर कोहली ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया था कि चोर ठेके से 13 लाख रुपए की शराब चोरी कर ले गए। पुलिस ने मामले में जांच करते हुए सबसे पहले चपरासी कॉलोनी निवासी राहुल सांसी को गिरफ्तार किया। राहुल मैकेनिक का काम करता है। राहुल ने पूछताछ के बाद प्लम्बर का काम करने वाले थूलखेड़ा निवासी ओम प्रकाश नट वे व्यापारी की गाड़ी चलाने वाले भादू निवासी शक्ति सिंह चुंडावत को गिरफ्तार कर लिया। इन तीनों ने मिलकर ही ठेके पर चोरी को अंजाम दिया था। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में एक महिला की फोटो एडिट कर अश्लील रूप देने व बाद में ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। आरोपी चाचा भतीजे किराएदार हैं और अब तक 1 लाख रुपए ऐंठ चुके हैं। पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुभाष नगर खानपुरा रोड अजमेर निवासी महिला ने बताया कि उसने 17 साल के उत्तर प्रदेश निवासी एक किशोर व उसके चाचा को कमरा किराए पर दिया। 15 दिन बाद ही उन्होंने किसी को फोन करने का बोलकर मोबाइल मांगा। इसी दौरान उसने व उसके चाचा ने फोन से निजी तस्वीरें ले ली और अब तस्वीर एडिट कर अश्लील फोटो तैयार कर ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब तक 1 लाख रुपए ले चुका है, जिसकी वजह से उसका निजी वैवाहिक जीवन में भी विवाद हो गया। रामगढ़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रदेश की सबसे छोटी नगर पालिका में शुमार अजमेर जिले की नसीराबाद नगर पालिका के चेयरमैन पद के उपचुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच हुए रोमांचक मुकाबले वे शह व मात के खेल में भाजपा ने बाजी मारते हुए अध्यक्ष पद पर कब्जा कर जीत का परचम लहराया। उपचुनाव के लिए आयोजित मतदान में कुल 20 निर्वाचित पार्षदों में से 18 पार्षदों ने मतदान किया तथा भाजपा के 2 पार्षद मतदान के लिए नहीं पहुंचे। मतदान के बाद निर्वाचन अधिकारी SDM अंशुला मेरिया ने चुनाव परिणामों की घोषणा करते हुए बताया कि मतदान में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अनीता मित्तल को 10 मत और कांग्रेस की रितुका सोनी को 8 मत प्राप्त हुए, जिस पर भाजपा की अनीता मित्तल को विजय घोषित किया गया।